यस इंजरी हुई और मैं ऑलमोस्ट 18-19 महीने व्हील चेयर में ही था, एक कमरे में बंद था, दीवारों से बातें कर रहा था और ये सोच रहा था कि यार मैं फिर इस पैशन को, इस प्रोफेशन को जिसमें मैं ऑलरेडी 50% पे पहुंच चुका हूँ, उसको परस्यू कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट मुझे ये लगता है कि जो भी इंजरी होती है वो जिस हिस्से में होती है वहीं तक रहे, दिमाग में ना बैठे। तो मैं उससे ओवरकम करने का द ओनली फैक्ट, द रीज़न इज़ कि मैंने मेंटली कभी गिव अप नहीं किया। तो मैंने ऐसा कभी एक बार के लिए भी नहीं सोचा कि इस इंजरी की वजह से मैं इस पैशन को परस्यू नहीं कर, यहाँ तक आ गया हूँ, यहाँ तक आने के लिए, आगे जाने के लिए। तो ऐसे ही लाइफ में आपको भी बहुत सारी इंजरीज होंगी, ठीक है, होंगी, बट उससे ओवरकम करने का एक ही तरीका है, यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग। तो चलेगा, दिमाग से नहीं हो सकता। जितने भी लोग मुझे सुनेंगे, सबसे पहले तो फिटनेस इज नॉट ओनली फिजिकल। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोगों को लगता है अच्छे बाइसेप्स होने से, लेग्स में थोड़े से मसल होने से, चेस्ट में थोड़े से फाइबर होने से ही आप फिट नहीं होते हो। और ये हिंदुस्तान में हर युवा के दिमाग में है कि जिम मतलब डोले बनाना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फिटनेस, वो एक फिटनेस का एक पार्ट हो सकता है। बट अगर आपको टोटल फिटनेस अचीव करनी है और आपको ये कहना है कि मैं एक तंदुरुस्त इंसान हूँ, तो उसके लिए मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस, तो बेसिकली दिस इज अ ट्राइंगल बिटवीन फिजिकल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस पे तो हम ध्यान देते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, वजन उठाते हैं, गुड। बट सेम टाइम मेंटल फिटनेस के लिए आपको दिन में 5 मिनट, 10 मिनट या 50 मिनट, डिपेंड कि आपका शेड्यूल कैसा है, आपको किसी भी तरह की मेडिटेशन ध्यान ज़रूर करना चाहिए, जिसमें उस ध्यान में आपको ये ध्यान करना है कि आप हो कौन एक्चुअली, आप अपने आप से चाहते क्या हो, आप करना क्या, करने क्या है इस दुनिया में। बेसिकली कई बार क्या होता है कि हम एक दुनिया के फ्लो में अपने आप को बहा देते हैं, जिसमें हम इतने बह जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि यार मुझे तो ये सब करना ही नहीं है। वो तब पता चलता है जब व्हेन यू आर मेंटली स्ट्रांग। बट सेम टाइम इमोशनल फिटनेस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इमोशनली हर्ट हो ना। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती है जब हम इमोशनली वीक होने लगते हैं, तो उसके लिए भी हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो एक होल पैकेज होना चाहिए जिसमें आप फिजिकल फिट भी हो, मेंटल फिट भी हो, इमोशनल फिट भी हो। क्योंकि देखो, ये आप मान लो आपके सगे संबंधी जो आपके साथ आज रह रहे हैं, कल को वो नहीं रहेंगे, सबको ये दुनिया को छोड़ के जाना है। बट जब वो नहीं रहेंगे, तब आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितने इमोशनली फिट हो। तो मेरे लिए फिटनेस इज नॉट ओनली बॉडी, फिटनेस इज ऑल अबाउट बॉडी, माइंड एंड अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। देखो, इट्स नॉट अबाउट अच्छी बॉडी बनाना, जीवन में कुछ भी काम करना हो उसके लिए सबसे जरूरी है पेशेंस। क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीज आपने आज चाही वो आपको कल मिल जाए, तो हो सकता है आपको परसों मिले या तरसों मिले या 100 दिन बाद मिले, बट आप में वो 100 दिन का पेशेंस है ये नहीं है, दैट इज अगेन कि आपका कैरेक्टर कैसा है। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।